गाइज हमारे भाई जो है कुछ न्यू फिशेस लाए हैं, ये ऑस्कर हैं। हे गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी तो इतने खतरनाक मौसम हो रहा था, एकदम सर्दी वाला, और फाइनली आज हम बहुत ही ज्यादा टाइम बाद कपड़े डालने आ चुके हैं। मैं इससे पहले भी बहुत बार कपड़े डालने गाइज मैं आया था, ये खुदा। अरे भाई झूठ मत बोलो, ये झूठ बोलना है। इनने कुछ कपड़े सब मैंने उठाए, कहने लगे आप व्लॉग बनाओ इसका। हाँ फिर अब देखिए अपनी तारीफ करवा रहा है, कुछ नहीं करते, ये बैठे रहते हैं बस, मुझे लेक्चर देने के अलावा कुछ नहीं करते। ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो, सब कपड़े मैंने डाले, कुछ सब मैंने डाले। अब ये देखिए क्लिप्स लगा के एक्टिंग कर रहा है ताकि ऐसा लगे सब कपड़े इन्होंने डाले। अच्छा एक कपड़ा इनने सिर्फ, पता है कौन से कपड़े, ये लाल पीला और बस यहाँ तक जो कपड़े डाले ये सिर्फ इनने डाले, बाकी पूरे व्हाइट मैंने डाले। बड़े आए ये आपके कपड़े हैं, ये रॉयल की टी शर्ट है, ये आपकी टी शर्ट है। और गाइज इतनी खतरनाक धूप हो रही है कि भाई की तो पहले आँखें नहीं खुली थी और मेरी तो खुल गई थी, बट जैसे ही धूप के सामने खड़ा हो रहा हूँ तो ऐसी जलन दे रही है। तो हम लोग जल्दी से कपड़े डालते हैं और फिर चलते हैं नीचे। तो गाइज कपड़े तो छत पे डाल दिए थे और अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मुझे इतला कल है व्हील अलाइनमेंट, व्हाट इज अलाइनमेंट? अलाइनमेंट ओके। तो गाइज हम लोग वहीं जा रहे हैं, मैंने पावर बैंक जो है साथ में रख लिया है क्योंकि मेरे फ़ोन में जो बैटरी थी नहीं, बिकॉज पावर बैंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कैरी आवर फोन्स, सो इट इज़ वेरी गुड, लेट्स गो। तो गाइज मेरे माइंड में एक अभी बहुत खतरनाक चैलेंज आया, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना अपन आई10 के साथ एक चैलेंज करते हैं, क्यों बनू करें, खाई से कूदाएंगे और लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्या अपन सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्यों भाई है कि नहीं? सर्वाइव कर पाते हैं तो वेल एंड गुड, वरना कोई बात ही नहीं है। तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं अपनी कार में और मैं आज ये सोच रहा था क्यों ना, क्योंकि 2024 बहुत ही पास में, मतलब ऑलमोस्ट आने वाला है, दिसंबर चल रहा है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कुछ नए आइडियाज़, कुछ चैलेंजेस, कुछ मतलब टॉपिक दीजिए जिसमें मैं जो है अपना व्लॉग बना पाऊँ, क्योंकि नए साल में अब मुझे कुछ नया करना है, मतलब कुछ डिफरेंट स्टाइल करना है ताकि आप लोगों को भी मज़ा आए, मुझे भी बनाने में मज़ा आए, आप लोग एंटरटेन हो और आप अगर सैड हो तो मैं उस सैड मूड को जो है खुशी के मूड में बदल सकूं। तो कमेंट सेक्शन में आप कुछ ऐसा मुझे बताइए जो कि मैं ट्राई कर सकता हूं अपनी वीडियोस में, फॉर एग्जांपल चैलेंजेस हो गए या जो चीज़ भी अगर आपको देखनी है, फॉर एग्जांपल भोपाल में कुछ ऐसी जगह जहां आप गए नहीं बट आप चाहते हो कि उस जगह का जो है आपको प्रीव्यू मिल जाए, उस जगह के बारे में आपको जो है मालूम हो जाए, तो मैं जाके वहाँ वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोगों को फ़ायदा मिले कि हाँ इस जगह के बारे में आपको मालूम हो गए, देन उसके बाद आप लोग भी वो जगह जो है विजिट कर पाए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा। फिलहाल तो अभी हम लोग कहाँ पहुँच गए, अपन भोपाल गेट के आगे आ गए हैं, स्टेट बैंक तक पहुँच चुके। जाना कहाँ तक है अपन को? यहीं तक जाना है। ओके रॉयल मार्केट में जो कार का जहाँ काम करवाया था हमने इससे पहले, वहीं पर जो है अलाइनमेंट टायर का, टायर में होता है ना अलाइनमेंट। ओके व्हील वेट एल्यूमिनियम के क्या बता दूं? ओके बता देना। ओके लेट्स सी गाइस, गाइस टायर्स दिखवाने तो यहाँ आ गए हैं और अलाइनमेंट अगर खराब होगा तो उसको सही कर देंगे, बाकी जो भी दिक्कत वगैरह होगी वो सब सही हो जाएंगी। भाई जो है अभी ट्रायल लेके आए थे तो ट्रायल लेकर पता चला कुछ ना कुछ तो है गड़बड़, बाकी गड़बड़ जो भी होगी वो सही कर देंगे। तो गाइस हमारी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग हुआ है और इसकी जो प्राइस है हमने सीआईट मोटर्स में करवाई थी जो कि एकदम है तालिल मसाजिद के पास में ही हॉस्पिटल के साइड में। तो व्हील बैलेंसिंग व्हील अलाइनमेंट के इन लोगों ने लिए 250 रुपये है ना, 250 है और व्हील बैलेंसिंग के 800 रुपये, तो टोटल 1050 रुपये इन लोगों ने लिए हैं ये वाले काम के लिए। तो कभी अगर आपको भी व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग करवाना है तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। तो गाइस गाड़ी का तो काम हो गए थे और अभी हम आ गए थे हमारे अपना आइसक्रीम पर और यहाँ पर जो है मैंने कोल्ड कॉफी लिए, मोनू ने पता नहीं कौन से लिए, क्या लिए, रेड बुल बकवास, और यहाँ पर गाने बज रहे हैं। तो गाइस हम लोग बोर हो रहे थे इसलिए जो है मैं ऑक्स और यहाँ पर स्प्लिटर ले लेता हूँ क्योंकि मोनू के फोन में जो स्प्लिटर चाहिए वो ये वाला था नहीं उसके फोन। अबे चुप बे, हमारे पास भी आईफोन है ना, ज्यादा मुंह मत चला, तुमसे महंगा फोन रखते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया 80 रुपए का, ये 80 रुपए का ये, तो टोटल बिल जो हो रहा था 160 का हो रहा था, मैंने कहा भाई 150 ले ले, तो उसने वो मान गया,
वेरी गुड यार, गाड़ी बंद हो गई तुमसे यार भाई यार। तो गाइस घर तो वापस आ गए थे और यहाँ पर रायल भाई जो है नाश्ता कर रहे हैं शाम का, क्योंकि रायल भाई का जो है ट्यूशन का टाइम हो गया है। वो भी देखिए शॉर्ट्स देखते देखते यहाँ पर चाय पी रहे हैं, वो भी क्रैक जैक बिस्किट भी खा रहे थे, ठीक है दो दो चाय पी रहे थे एक साथ है। वाह यार अम्मा, आप इनको दो दो चाय देती हो, हमें तो एक भी नहीं देती। तो गाइज हमारे भाई जो है कुछ न्यू फिशेस लाए हैं, ये ऑस्कर हैं, ये शायद ये भी ऑस्कर है ऑरेंज वाली, ये ऑस्कर है और ये अरवाना है, जो बड़ी अगर हो जाती है तो कम से कम 22,000 की जो है फिश बिकती है। ये देखिए कितनी शानदार हो रही है। और एक और कौन सी फिश है, एक और कौन सी फिश है, नहीं तीन ही फिश लाए थे ना, नहीं एक और कोई सी लाए थे ना, नहीं लाए थे तीन ही लाए थे। ओके नहीं ये इतनी बड़ी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर अपन इसको बेच देंगे 22,000 में। ध्यान से ये नहीं दिखेंगे बहुत बड़ी हो जाएगी ये। तो गाइज हमारे रायल भाई ट्यूशन जाने से पहले यहाँ पर मेलोडी चॉकलेट खा रहा है, मुझे भी तो दो। अच्छा दे तो नहीं थी, कहाँ दी, अच्छा एक देने से क्या, एक और दे दो यार भाई यार, खुद दो दो खाओगे हमें एक खिलाओगे क्या बस। नहीं नहीं आप पूरी खा लो भाई, रहने दो आधी पादी। ये क्या है, वाह वाह बहुत सुरीली हो, बस बस खा लो खा लो। और ट्यूशन 6:30 हो गया, चलो उठो, हो गया 6:30, हो गया 6:30। नहीं नहीं ये बाल शाहरुख खान जैसे क्यों कर रखे हो, और तुम शाहरुख खान हो, कोई शाहरुख खान नहीं हो तुम, बढ़िया है। तो गाइस फाइनली हमारे रायल भाई का ट्यूशन का टाइम हो चुका है, तो हम लोग जो है अब रायल भाई को जो है ट्यूशन ड्रॉप कर देंगे, रायल भाई स्टडीज करेंगे, बिकॉज रायल भाई के फाइनल एग्जाम्स जो है दे आर स्टार्टिंग सून 25 से। अपने क्या प्रॉमिस हुआ है, फर्स्ट रैंक 100%। आई वॉन्ट सेकेंड, नहीं फर्स्ट चाहिए मुझे, हाउ मच परसेंट, 100%। अरे देखो अगर नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो सेकंड तो लाना ही नहीं है ना। क्या, अगर फर्स्ट नहीं है भाई तो सेकंड तो लाना ही रहा। सेकंड तो आना ही आना है, मैंडेटरी है फॉर यू टू कम सेकंड। तो हमारी गाड़ी रेडी है, हम लोग जो है चाबी ले आते हैं, कीज ये रहेंगे, कीज डालते हैं, नहीं कुछ नहीं डालते, हटो पीछे हो पीछे। तो गाइस बाहर हो रही है बहुत सर्दी, तो हम लोगों ने पहन ली मोटी मोटी जैकेट और अम्मा ने मुझे कुछ उनके कपड़े दिए, तो इन कपड़ों को जो है हमें टेलर के पास डालना है, ताकि टेलर कैन फिक्स माय मदर्स क्लोथ्स एंड वी आर गुड टू गो, लेट्स गो। चल कैसे रहा, ऐसा चल रहा है ऐसे भोपाल का बादशाह हो, कौन तुम, अबे लोग थे जानते भी नहीं है, बड़ा आया तुम सबसे कम हो, सबसे ज्यादा कम तुम ही हो। I am the Sultan of Bhopal. I am Muhammad Adiluddin Khilji, Sultan of Bhopal. You understand, Monu? तो गाइज अभी हम आ चुके हैं हमारी जीप के पास, क्योंकि अब जो हमारी जीप है कंप्लीट हो चुकी है, बस अब जो इसमें सीट्स वगैरह लगनी है, तो ये जाएगी टो होकर सीट वाले के पास। यहाँ पर जो है टो ट्रक भी आ गई है, अब इसको जो है टो करके ले जाएंगे, अभी जीप जो है निकालेंगे और उसको हुक को जो है लगाएंगे, एंड जीप विल बी गुड टू गो, देन सीट वाले के पास जो है खड़ी कर देंगे, देन सीट क्यों, अब एक हफ्ते ही लगेंगे बस, है ना, एक हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी फुल, नई साल से पहले कंप्लीट हो जाएगी। तो भाई जो है स्टोर ट्रक को जो है अपन नई साल से, हाँ हुक को खोलना है, देन हुक जो है लग जाएगा, अपन देख लेंगे कि कैसे लगता है। भाई यहाँ पर जो है जीप टो होने के लिए लग चुकी है, अब जो है टो के लिए इसको लगा देंगे चेन वगैरह पूरा अच्छे से। वाओ नाइस प्रोसेस, इसको कुछ होगा तो नहीं, नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। गाइस जीप ने यहाँ पर व्हीली मार दी, मोनो व्हीली, तो गाइस जीप टो करवा के तो ले आए, और अभी हम आ चुके हैं शाहीनाबाद पे, यहीं पर जो है सीट वगैरह का काम होगा, यहीं पर सीट वगैरह बनेंगी, तो यहाँ पर जो है सीट पूरी बन जाएगी, गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी। और बड़े बाप रे कितनी खतरनाक आवाज़ आ रही है भाई, एसी हो रही है भाई, जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो क्या लगेगी, है ना, अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें खाली पड़ी हुई है एकदम नंगी। तो गाइज अभी मैं और मोनू आ चुके हैं तंदूरी हट पे, जीप हमने खड़ी कर दी थी, और तंदूरी हट जो है गिन्नौरी रोड पे, वो जो पुल बना है ना नया, शायद उस पुल, इस पुल का नाम क्या है, हैं रानी कुछ है, रानी मतलब ये नया पुल बना है अभी, टाइम हो गया मतलब वो जो, अब आप समझ जाना गिन्नौरी रोड पे तंदूरी हट, वो ऑनलाइन मैप पे भी आ जाएगा, तो अभी वहीं आए हम लोग।
और यहाँ पर हम जो चिकन रोल्स खाने आए, मोनू ने खाया नहीं था उस दिन, तो आज इसका खाने का दिल चाहा तो हम लोग आ गए, तो आने दीजिए। तो गाइस यहाँ पर जो है हमारा ऑर्डर आ चुका है, मुर्ग अंगारा रोल एंड यहाँ पर दो आइस टी। तो गाइस घर तो वापस आ गए हैं और यहाँ पर नबीला जो है न्यू फिशेस लाए हैं, ऑस्कर लाए ब्लैक कलर की। ये कौन सी है? ये भी ऑस्कर ही है, ये भी ऑस्कर है, और एक अरवाना लाए, नाइस। लेकिन ये तो मैं आप लोगों को दिन में दिखा चुका हूँ ना। तो गाइस राहिल भाई ऐसे खड़े हुए हुडी पहन के येलो कलर की, और कल जो इनको स्कूल जाना है और हब होगा हम लोग के सोने का टाइम। तो या गाइस यही था आज के व्लॉग में, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक कीजिए, चैनल पे ना सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय। एंड करवा लो यार वो, उसमें डाल दो।